नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अंतिम संस्कार नहीं होगा। पर ये तो हमारे आदमी है सरदार। इस वक्त ये सिर्फ मेरे लिए खून से लथपथ मिट्टी है। जिसने इन्हें मारा पहले उनकी चिता जलेगी, उनकी चिता की आग से हमारे साथियों को जलाया जाएगा, फिर इनका अंतिम संस्कार होगा, तब जाके मानेंगे कि ये हमारे असली साथी थे। चलो छुपने से जान नहीं बचेगी। साले लंगड़े, जरा बता शंकर कहाँ लंगड़े? क्या तुम उस शंकर को खोज रहे हो जो हमारे दिलों में रहता है? चीर डालूंगा सबके दिलों को अगर नहीं बताया शंकर कहाँ है तो। हमारे दिलों को चीर देगा। आराम से। बहुत बोलत है। हट 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 के दुकान लगा। Thank you.
चिक, शंकर कहाँ है? मुझे नहीं पता शंकर कहाँ है। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अब मैं नहीं, मेरी तलवार पूछेगी। अगर इस तलवार से तुम मर गए तो मैं भी यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि किसने मारा। मैं आखिरी बात पूछ रहा हूं, बता शंकर का है? ये सब कैसे हुआ? ये सब जयसिंह का काम है। पता नहीं इस अभागे गांव का क्या होगा। हम लोग अपने आप को बचा नहीं सकते, कानून हमारी मदद नहीं करता। पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज हो गया। अब तो जयसिंह चाहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे, जयसिंह चाहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। रो मत, आज से गांव में कोई नहीं रहेगा। सूर्य को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूं कि मैं जय सिंह को जरूर मृत्यु दंड दूंगा, गंगा की कसम। आप क्या? आप ही बताइए कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, वो भी एक पूरी बटालियन के साथ। सर यहाँ तो लैंड ऑर्डर पूरे कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, कानून के या डाकुओं के? क्या समझते हो कि ये थाना बिकाऊ है? बड़े साहब थाना कैसे बिक सकता है? बिक सकता है अगर आम जनता यहाँ आने से डरे और डाकू यहाँ खुलेआम गुलछर्रे उड़ाए तो ये थाना बिक सकता है। मैं यही छानबीन करने आया हूँ। अगर यह साबित हो गया कि डाकुओं के साथ तुम्हारी साठ गांठ है तो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारी वर्दी उतारकर तुम्हें इसी थाने में बंद कर दूंगा, समझे? नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते। अच्छा हुआ कि पूजा के समय आप आ गए। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बगैर किसी खौफ के मूर्ति के दर्शन करें और अपनी श्रद्धा का पालन करें, यहां कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए मैं यहां खुद तैनात रहूंगा। जोगा, जिस शुभ दिन का हमें इंतजार था वो दिन कल है। कल मंदिर में भगवान के सामने सरदार के खून से तुम्हारा राष्ट्र तिलक होगा। इतनी बड़ी तकदीर से कहीं डर तो नहीं रहे हो? नहीं रे, ई जोगा तैयार है, बस ससुरे कल का इंतजार है। शंकर, मैंने तुम्हारी गांव वालों से बहुत तारीफ सुनी है। एक शहरी आदमी होने के बावजूद जो तुमने गांव वालों की मदद की है वो वाकई काबिले तारीफ है। कल जयसिंह भेष बदलकर भगवान का मुकुट चुराने आएगा और मुकुट की हिफाजत के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं एक अभागा छोटा चिंदी चोर हूं, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जो इंसान औरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी समझता हो वो बहुत कुछ कर सकता है। इस गांव की रक्षा के लिए तुम्हारी गंगा की कसम डाकुओं ने सुनी हो या ना सुनी हो, पुलिस से जरूर सुन ली है और तुम्हारी ये कसम पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। पीछा करो।
मेले में जयसिंह भेष बदल कर गांव के मंदिर पर हमला करेगा देवी के मुकुट के लिए। हर हाल में उसे रोकना पड़ेगा। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है ताकि वो भी हमें किसी भी हालत में पहचान ना सके। जयसिंह भेष बदल कर वहां जरूर आएगा और उसके बदले हुए भेष को पहचानना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए कमिश्नर साहब, जयसिंह जो भी रूप बदल कर आए मेरी नजरें उसे पहचान लेंगी। इंतजार है तो बस उस दिन का। मियां मंजूर। हाजिर हजूर। क्या बोलता है रे तू? हाँ गद्दारी तो हुई है सरदार। किसने गद्दारी की है? हाँ तूने पुलिस की खबरी कौन है रे खबरी? हुजूर मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूं लेकिन गद्दार दोस्त को नहीं। जो खुद बताएगा उसे मैं आसान मौत दूंगा, वरना ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी काम जाए। क्या बोलता है रे जग्गा? गद्दार यही है ना सरदार? गद्दार जो कोई भी है वो तो मरा ही जाएगा। रामपुर में हार गए, चलो किशनगंज को चाह के लूटते हैं। मियां मंजूर। अज्जी रजूर। किशनगंज जाने का रास्ता यही है ना? किशनगढ़ जाने का यही रास्ता है हजूर। हम किशनगंज का रास्ता बदल देते हैं। पर सरदार किशनगंज जाने का रास्ता तो ये सबसे आसान है। आसान रास्ते हमेशा धोखेबाज होते हैं। हमने अपना इरादा बदल दिया है, किशनगंज हम यहां से जाएंगे। चलो आ,
क्या मंजूर? हाजिर हजूर। क्या बोलता है रे? वो पुलिस पार्टी जो रामपुर में तैनात थी, अब किशनगंज की तरफ रवाना हो रही, यानी किसी खबरी ने खबर दौड़ा दी है कि आप किशनगंज की तरफ जा रहे हैं। सरदार ये तो अच्छा हुआ आपने रास्ता बदलवा कर हम सबका जान बचाई दिया, वरना वहां पुलिस के इनकाउंटर में हम सब मारा जाता। हम नहीं, वो जो हमारा दुश्मन है। इस दुश्मन को मैं बाद में लिपट लूंगा, मगर अब पहले हम रामपुर जाएंगे और अपने सबसे बड़े दुश्मन शंकर को खत्म करेंगे। आग लगा दो शंकर के घर को, बच नहीं ना पाया आज वो। अरे शंकर के घर के आग लगा दी, शंकर को मर जाएगा, शंकर को बचाओ। आग लगा दी। अरे शंकर मारा गया, शंकर मारा गया, अरे शंकर मारा गया। तो अभी तक जिंदा है? जिसके जीने का कोई मकसद होता है वो मौत से भी लड़कर जिंदा बच जाते हैं। वक्त कभी कभी किसी पर मेहरबान होता है। तेरे लिए अच्छा है कि तू ये गांव छोड़कर चला जा। ये गांव कोई तेरे बाप की जागीर नहीं, जो तेरे कहने पर मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं। गांव नहीं छोड़ा तो दुनिया छोड़ने पड़ेगी। तू मुझे मौत की धमकी दे रहा है, जो मौत से गले मिलके आ चुका है। लगता है मेरी आंखों में तुझे अपना विनाश नजर आ रहा है। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, इस गांव वालों का मसीहा बनने की कोशिश मत कर, वरना जय सिंह इस जंगल का शेर है, तुझे बकरी की तरह चबाकर खा जाएगा। तुझे अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है जय सिंह। शेर की टोली नहीं होती, वो अकेला शिकार करता है, लेकिन तू एक पुस्तिल कायर इंसान है जो अपनी फौज लेकर आता है और गरीब कमजोर गांव वालों को लूटता है। मगर अब मैं तेरे रास्ते में फौलाद की दीवार बनकर खड़ा हूं, उन गांव वालों को तेरे जुल्म और अत्याचारों से आजादी दिलाना मेरी जिंदगी का मकसद है। समझ ले कि मैं तेरा काल बनकर आया हूं। लगता है पागल हो गया तू, क्या कि पुलिस आज तक जयसिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू मुझे मिटाने का सपना देख रहा है। जिसे तू सपना समझ रहा है उसे मैं हकीकत बनाने जा रहा हूं। ये बात है भाई जी, कोई भयानक सपना देखोगे? मुझे लगता है शंकर जिंदा है। और नहीं भाई जी, शंकर आग में जल के मर गए हैं, भीको बचन को कोई रास्ता को नहीं। भीम सिंह, मेरा दिल कहता है कि शंकर जिंदा है। हमारी सोची समझी चाल फेल हो गई है। सिर्फ फेल ही नहीं हुआ कमांडर, वो लोगों को हमारी चाल पर शक भी हो गया है। अगर शक हुआ है समझ लो कि हमारे लिए कयामत का दिन तय हो गया। यही तो मैं सोच रहा हूँ, इससे पहले कि सरदार मुझे खत्म कर डाले क्यों ना मैं ऊका मार डालूं। तुम सरदार को उसके अड्डे से बाहर निकालो, बाकी मैं देख लूंगा। वो मैं करूंगा। गीता, शंकर, शंकर, तुम जिंदा हो? क्या समझती थी मैं इतनी जल्दी तुमको छोड़कर चला जाऊंगा? औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है, गम हो तो रोना, खुशी हो तो रोना। आज हम उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह आज रुपए वसूल करेंगे हम। हाँ बहुत टाइम हो गया उसने पैसे नहीं दिए, क्यों परेशान बैठे हो? तुम्हारा दामाद कहाँ है? चल मेरे घोड़े, चल ये ले बा, मार ले बउआ, पकड़ ले बउआ। ये क्या कर रहे हो? मैं अपना घोड़ा तैयार कर रहा हूँ रेस के लिए। आप लोग कौन है भाई? हम आपके गांव के रहने वाले हैं भाई, जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे कर्जा। हाँ मैंने इससे पहले कभी आप लोगों को यहाँ देखा नहीं बाबा, कौन है? मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसा कब से हो गया और क्यों हुआ? ये सारा कसूर मेरा है, उससे मैंने इसे भगाया, ये बेचारा गिर गया, इसके सिर पर चोट लग गई और ये सब हो गया।
एक काम कीजिए, कल रात को मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरो की ऐसे ही याददाश्त हो गई थी, उसके माँ बाप ने उसकी सुहागरात करवा दी और उसकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ पिताजी, ये सच कह रहे हैं, फिल्म की बातें कभी छूट नहीं होती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है बेटी। ये क्या हो रहा है बाबा, ये सब क्या चल रहा है, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी बीवी है। बीवी क्या होती है चाचा? बीवी तो बीवी ही होती है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या होती है बीवी मामा। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मामा, आपकी सोने की जगह तो ये है पापा। लगता है इसे कुछ कुछ याद आने लगा है। बेटी दरवाजा बंद कर लो। क्या हुआ तुझे? आपकी हालत देखकर। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो खाली ड्रामा कर रहा था यार। ड्रामा? अरे ड्रामा नहीं करता, तुम्हारा बाप सुहागरात होने नहीं देता। और जो मैं आज तक दुख सहती रही वो? अरे सारा दुख एक रात में मिटा दूंगा, आ जा मेरी जान। गांव वालों देख लो जय सिंह ने क्या किया है, इस लड़की का बलात्कार करके मार दिया। मैं अकेले ने इनको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस कि बचा नहीं पाया। बिल्कुल, ये पहली मौत नहीं है, ये आखिरी मौत भी नहीं है। जब तक तुम लोग डाकुओं से डर कर छिपते रहोगे, ऐसी मौतें होती रहेंगी। जब डाकुओं का पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो हम क्या करेंगे? जो कुछ करना है तुमको खुद करना है। अपनी रक्षा के लिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह डाकुओं से लड़ सकते हो। बोलो तैयार हो? क्या हुआ तेरे चेहरे पे? ये हमारे चेहरे पर शंकर का खूनी दस्तखत है सरदार। वो तो हमारा किस्मत अच्छा था, उसके हाथों से हम बच गया। शंकर वह जिंदा है सरदार। जो तुम कह रहे हो वो हमारा दिल पहले से जानता था। वो जिंदा है जरूर, लेकिन अब नहीं रहेगा। ओह कमांडर, ये अपने हाथ में काल आए हो? ये तुम्हारी जन्म पत्री है, चाहो तो अपनी तकदीर को बुलंदी पर ले जा सकते हो। ओह कैसन भैया, ₹10,00,000 का इनाम। सोचो मत मेरे यार, जय सिंह को पकड़ा दो, रुपया भी पाओगे और गैंग की सरदारी भी। क्या बात है सरदार, बहुत उदास हो? इका भेज मैं अंडा मारूं। सरकार ने हमारे सर की कीमत सिर्फ 10,00,000 रुपए ही लगाए और ऊपर से हमारा फोटो भी अच्छा नहीं छापा। बीरू सरदार बीरू, ये सब के पीछे और सुसरे खबरी बीरू का हाथ है। मैं तो कहता हूँ चल के गोली से उड़ा देते उसे। गोलियां? वीरू की जिंदगी भाई इतनी कीमती नहीं कि उसके लिए इतनी सारी गोलियां खर्चे, उसके लिए तो सिर्फ एक ही गोली काफी है। फिर वो गोली निकाल लो सरदार, उनका खर्च करने का यही दिन है। वो देखो सरदार, वीरू अभी अभी अकेला मंदिर गया, यही अच्छा मौका है उसे खत्म करने का। चलो जय भवानी की। नहीं, वहां तो सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। ये ठीक कहते सरदार, वहां तो हम सिर्फ तीनों ही जाएंगे। क्यों मियां मंजूर? हाँ जी रजूर। क्या बोलता है रे? ये बात मन ने तो समझ में नहीं आवे रजूर। मन ने तो बिल्कुल समझ में आवे, जाएंगे तो हम तीन ही। चलो सरदार। नहीं, तुम इनके साथ नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है। तुम्हारे दिल के धड़कन को कहो कि ज्यादा धड़का ना करे। चाप।
बहुत पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसे खाई मिलती है। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं सरदार था, सरदार हूं और सरदार रहूंगा। कर रही हो? हाँ पूजा कर रही हूँ, और अब पूछोगे कि क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए कि तुम पर खतरा है। बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और अंदर तुम्हारे साथी तुम्हें धोखा देना चाह रहे हैं। औरतों को तो सिर्फ एक ही काम आता है, डरना। हंसो मत, तुम्हारा दिल डाकू का नहीं है। फिर ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? और हम अपना घर बसाकर कम से कम शांति से तो रहते। अरे इसके लिए यहाँ पूजा कर रही हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये ठाकुर का बनाया हुआ है, यहाँ ठाकुर का ही भला होगा। महीने के 20 दिन मेरी माँ इनका व्रत रखती थी, क्या मिला उन्हें? उनकी लाश को कफन तक नसीब नहीं हुआ। मंदिर के सीढ़ी पर माथा टेकते टेकते मेरे बाप का माथा घिस गया, लेकिन उनकी बदनसीबी की लकीर नहीं मिटी। मेरी बहन, जाने दो उसे, अगर मेरी बहन की कहानी कहूंगा तो जबान चल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो हो जो मेरी बहन के साथ हुआ। वादा करो तुम यहां नहीं होगी। चलो मेरे साथ। अरे तुम यहां कैसे आना हुआ? अगर मैं याद हूं तो मुझे दिया हुआ वचन भी याद होगा। बिल्कुल याद है, और तुम जल्दी से अपना वचन पूरा करवा लो, वरना जिंदगी की जिस जंग से मैं जूझ रहा हूं उसे पूरा करने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूं। वचन पूरा करोगे ना? प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम एक आदमी की जान बचा लो। कौन है वो? उसके आगे मौत, उसके पीछे मौत। इस इलाके के हर पुलिस वाले के पास उसके नाम की एक गोली है। ऐसे आदमी को मैं कैसे बचा सकता हूं? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको सिर्फ एक आदमी से खतरा है, और वो आदमी तुम हो। कौन? जय सिंह, मेरा होने वाला सुहाग। नहीं, वो बच नहीं सकता, उसे मारने के लिए मैं गंगा की कसम खा चुका हूं।
गंगा की कसम तो खाई है, लेकिन तुम्हारा वचन, उस वचन का क्या होगा जिसके गवाह खुद काल भैरव है? तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, मैं अपनी कसम तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन अपना वचन निभाऊंगा। जब तक जय सिंह हमारे गांव में नहीं आएगा, वो मौत से दूर रहेगा। उस दिन तुम्हें पहचानने में मैंने गलती नहीं की, तुम सचमुच बहादुर आदमी हो। आज के बाद जय सिंह रामपुर कभी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। रामपुर ने मुझे बर्बाद किया है, अब ना रामपुर रहेगा ना शंकर।
बात है हजूर। क्या बोलता है? आज तुम बोलो सरदार। मजा आया, आज बहुत मजा आया। हम किसे से नहीं हारे, आज आज मौत ने हरा दिया। मियां मंजूर। हाँ हुजूर। अब क्या देख रहा है? अपना अंजाम देखने के लिए तेरी आंखों में रोशनी नहीं।